कॉम्प्लिकेशन। हेलो किशन, यस सर, हाँ ओके स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो रितिक कब तक ज्वाइन करेगी, सो वेट करना ठीक नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। तबीयत कैसा है वैसे आपका? तबीयत ठीक है सर। थोड़ा उतना भी तो ठीक नहीं था, 50% ठीक हुआ है, फिर भी मैं बोला बैच अटेंड कर लेता हूँ। कोई नहीं, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है आपको, ठीक है ना? इसके बाहर से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, जो आएगा इसी से आएगा, इसी को स्टडी करते रहिए। एक काम सिर्फ बाकी रहेगा कि जो अभी एग्जाम जो जून में हुआ है, इसका क्वेश्चन पेपर अपलोड होता है थोड़ा लेट से। मतलब तो जब भी एग्जाम होते हैं तो अपलोड होने में कम से कम 4 से 5 महीने लग जाते हैं वेबसाइट पर अपलोड होने में। तो आप याद कराइएगा मुझे, ऐसे मुझे याद रहेगा, ग्रुप में आप लोग हैं। मैं आप लोगों को जो जून वाला जो पेपर हुआ है उसका भी सॉल्व आपको भेजूंगा। ये जो नोट्स मैंने भेजा है ये सफिशियंट है, आराम से इसमें मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जून वाला भी साथ में हम लोग कर लेंगे। कई बार होता है ना कि क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं, ठीक है? तो वो भी कर यस लेना, यस थोड़ा जरूरी होगा हम लोगों के लिए। हम लोग करेंगे लेटर ऑन, जब वो अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे, उसको मैं सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। फिलहाल हम लोग MCQ 22 मैंने आपको पूरा सेंड कर दिया है, टाइम भी ज्यादा बचा नहीं है, तो मैं एक करके आपको पूरा सेंड करते जाऊंगा। इसी पे जो है आपको स्टडी करना है, इसी पे जो है हम लोग क्लासेस वगैरह करेंगे, ठीक है? यस ओके, तो इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक्स कर लिया था। अर्थमेटिक मेन पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था, डिसीजन थ्योरी हो चुका है, हाँ, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी भी हो गया था। ये यस कुछ पॉइंट्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएंगे। बहुत ही मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं, कम से कम 5 या 6। जैसे यहाँ पे 6 ऑप्शन है, 6 में से कोई 5, कोई 4 आपको जो है एग्जाम में अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है? इस तरह से होगा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन होंगे, ओके 5 मार्क्स ईच। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है एक्चुअली, तो ओके ये जस्ट फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, ठीक है ना? फॉर्मूलाज याद रखिएगा, हो जाएगा। क्राइटेरिया ओके ऑफ ऑप्टिमिज्म, पायलट टेस्टिंग, प्री टेस्टिंग, काफी कॉमन है, इसको नहीं कराता हूं मैं, काफी कॉमन हो जाएगा, सो कीजिएगा घर पे। नहीं समझ में आएगा तो फिर क्लास कर लेंगे। फिलहाल हम हाँ लोग करते हैं आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। ये हुआ है क्या? नहीं सर, ये नहीं हुआ। स्टेट ये नहीं हुआ, ठीक द है। थोड़ा टेस्ट ऑफ डेटा। नहीं बेसिक नहीं नहीं क्वेश्चन है, आने का चांसेस थोड़ा कम है, पर आ भी सकता है। कई बार होता है कि वो लोग थोड़ा उठपटांग, मतलब बेसिक क्वेश्चन भी काफी पूछ देते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता नहीं है, इससे रिलेटेड आता है, डेटा से रिलेटेड। लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा पूछा गया तो कम से कम 5 मार्क्स में, ये जो हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में छोड़ा स्किप किया, यहाँ पे 5 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा क्या क्या होता है, ओके ठीक है? तो इसी को करते हैं, इजी रहेगा। नाउ सर, स्टार्ट करते हैं फिर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, डेटा क्या होता है? पहले इसको समझ लेते हैं। डेटा मतलब होता है वो जानकारी जो आप इकट्ठा करते हैं और अभी तक आपने लेकिन उसको प्रोसेस नहीं किया है। जैसे कि एक बंदा का दिन भर का क्या स्केड्यूल है, मेरा दिन भर का क्या स्केड्यूल है, ये मैंने एक कागज में लिखा कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, 8 बजे ये करता हूँ, 9 बजे ये करता हूँ, वगैरह 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 वगैरह, जो भी उसको लिख दिया, वो सिर्फ लेकिन डेटा कहलाएगा, इन्फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। लेकिन जब आप ये फाइंड आउट करेंगे कि दिन भर के 24 घंटे में मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी या कितने घंटे मैंने कौन सा काम किया, ये जो हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं, इसको बोलते हैं डेटा को एनालाइज करके प्रोसेस करके उसका इन्फॉर्मेशन निकालना। तो इन्फॉर्मेशन निकालना वो अलग चीज हो गया, यहाँ पे बात हो रही है डेटा की, मतलब रॉ डेटा की। ऐसा जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी किया था ना, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, आपको याद होगा। तो यस जो प्राइमरी डेटा होता है, यहाँ पे उस डेटा की बात हो रही है कि जब हम शुरू में जब डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किसको हम लोग डेटा बोलेंगे, ठीक है ना? उस तरीके से तो चलिए फिर देखते हैं। इट ओके इज प्रोबेबली मोर कॉमन टू रेफर टू डेटा इन क्वांटिटेटिव फॉर्म एज स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाकर के बताया जा रहा है, जो डेटा होता है वो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है जो कि क्वांटिटेटिव होता है, मतलब हम लोग उसको नंबर्स में लिखते हैं डेटा को, ठीक है ना? और वो स्टैटिस्टिकल डेटा होगा, जो डेटा होगा वो स्टैटिस्टिकल डेटा होगा, उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स के टेक्निक्स का, मेथड्स का यूज करके हम उससे इंफॉर्मेशन वगैरह जो है निकालते हैं। बट नॉट ऑल न्यूमेरिकल डेटा इज स्टैटिस्टिकल, लेकिन सारे के सारे न्यूमेरिकल डेटा भी स्टैटिस्टिकल नहीं होते हैं। जैसे कि हम लोग अकाउंट्स में जो करते हैं वो सारा का सारा डेटा जो है स्टैटिस्टिकल नहीं होता, ठीक है? इन बिल्कुल ऑर्डर दैट न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन मे बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स,
दे मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। तो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डेटा के पास होने चाहिए अगर हम लोग उसको एज ए स्टेटिस्टिकल डेटा हम लोग उसको अगर डिफाइन करना चाहते हैं। तो इस जो सब्जेक्ट है आपका उसका नाम है क्वांटिटेटिव डेटा फॉर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। नहीं, आई क्वांटिटेटिव थिंक आई डिड सम आई सी समथिंग रॉन्ग। क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल डिसीजन, ये आपका सब्जेक्ट है इसका। तो इसमें हम लोगों को मैथ्स भी करना है, थोड़ा बहुत स्टैट्स का पोर्शन भी करना है। स्टैट्स के पोर्शन के दौरान ही हम लोगों ने पिछले क्लास में अर्थमेटिक मीन मोड और मीडियन वगैरह हाँ किया था। मिन मोड हाँ हाँ, मिन मोड तो मल्टीपल स्टेटिस्टिकल डेटा का मतलब वही हो गया जिसके ऊपर जो है हम लोग स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करेंगे और उससे फिर जो है इंफॉर्मेशन वगैरह निकालेंगे, ठीक है। तो उन मार डेटा में कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। सबसे पहला है दे मस्ट बी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, और जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंगल अनकनेक्टेड फिगर्स कैन नॉट बी यूज टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिनोमिना। क्या बोला है, जो डेटा है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए। जैसे कि सपोज ये आपको इकट्ठा करना है कि 24 घंटे में पूरे महीने में सपोज आपने कितने घंटे वर्कआउट किया, आपने जिम कितनी बार गए, कितने घंटे आपने वर्कआउट किया, सिंपल सा बात है। जो डेटा होगा वो एग्रीगेट होगा, और एग्रीगेट डेटा तभी होगा जब आप डेली का मेजर करेंगे। सपोज आपने आज का मेजर किया और 5 दिन बाद का आपने, फिर अगला 5 दिन बाद जो दिन आएगा आपने उस दिन का मेजर किया, फिर 2 दिन बाद छोड़ करके फिर उसके बाद वाले दिन का मेजर किया। तो वैसे अगर आप मेजर करेंगे तो डेटा जो होगा वो कनेक्टेड नहीं होगा, एग्रीगेट आपका निकल नहीं पाएगा। तो एग्रीगेट निकालने के लिए जो बात जरूरी है वो ये है कि डेटा का कनेक्टेड होना, ठीक है ना। वही बात बोली गई है, दे मस्ट बी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स का एग्रीगेट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि सिंगल अनकनेक्टेड फिगर्स, जो अनकनेक्टेड फिगर्स होते हैं उनको हम लोग यूज नहीं कर सकते इन दिस, है ना। उसको डेटा को निकालने में, इंफॉर्मेशन को निकालने में आप डेटा का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां जो डेटा है वो सही नहीं आएगा। कैन नॉट बी यूज टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिनोमिनन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है दे शुड बी अफेक्टेड टू अ मार्क एक्सटेंट बाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज। फॉर एग्जाम्पल इन सोशल सर्विस द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड आर अफेक्टेड बाई ए नंबर ऑफ फैक्टर्स कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। तो यहाँ पे जो डेटा आप इकट्ठा करोगे, जो लिखोगे आप, वो एक तरीके से किसी ना किसी चीज के कारण अफेक्ट होता है। जैसे मैं अगर जिम जिम नहीं गया तो डेफिनेटली मेरे पास उससे कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा तभी मैं नहीं गया। वही बात यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि जो डेटा है वो किसी ना किसी चीज से अफेक्टेड होगा, है ना। उसका असर होगा, किसी ना किसी चीज का वहां पे असर होगा, भले ही वो फैक्टर जो है वो अनकंट्रोलेबल हो या अनकंट्रोलेबल हो। जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोलेबल है, जो नहीं कर सकते वो अनकंट्रोलेबल है। तो कोई भी रीजन रहा हो, कोई भी फैक्टर हो, उस फैक्टर का असर जो है आपके डेटा कलेक्शन में होना चाहिए, डेटा की जो वैल्यू है उसमें होना चाहिए। ऐसे डेटा को हम लोग डेटा बोलेंगे, ठीक है। दे मस्ट बी इन्यूमरेटेड, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे दिखाना। एक्चुअली दे मस्ट बी इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। तो स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको उसके एन्यूमरेट करना है, लिखना है एक तरीके से, या इसको रिकॉर्ड करना है आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो उसके जो जो स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होगी, मतलब क्या बोलूं, जैसे 12.75 है, तो समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं कि 12.75 को राउंड फिगर में करने के लिए हम लोग उसको 13 कर देते हैं, या फिर 12 पॉइंट अगर 45 होता तो हम लोग उसको 12 पकड़ लेते। तो हम लोग जो एक्यूरेसी है वो एक स्टैंडर्ड एक्यूरेसी के तहत हम लोग चलेंगे, ना ज्यादा बढ़ाएंगे ना ज्यादा घटाएंगे। जो मतलब एक एक्यूरेसी आपको मेंटेन करके रखना है, स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। फॉर एग्जाम्पल इन द मेजरमेंट ऑफ हाइट, वन में मेजर करेक्ट अप टू 0.01 ऑफ द सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जब आप हाइट मेजर कर रहे हो तो आप 0.01, कई बार आदमी स्किप कर जाता है, पर अगर बहुत सख्त बताया गया कि नहीं मुझे एग्जैक्ट फिगर चाहिए तो फिर तो आपको एग्जैक्टली देना ही पड़ेगा। बट आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है। और सपोज आपने एक डेटा को कलेक्ट करने में अगर आपने इस तरह का स्टैंडर्ड मेजर किया कि चलो ठीक है कुछ नंबर है उसको हम स्किप कर देते हैं, तो बाकी सारे डेटा में भी आपको स्किप करना पड़ेगा। आपने एक जगह किया दूसरे जगह नहीं किया तो उससे फिर दिक्कत होगी, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड बाई सर्टेन टेस्ट ऑन स्मॉल सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम अ बिग लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोई नहीं। जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का, ठीक है ना, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एस्टिमेट, उसको एस्टिमेट किया जाता है बाय सर्टेन टेस्ट। कुछ टेस्ट वगैरह उसके ऊपर चलाए जाते हैं, उसके बेसिस पे जो है उसको एस्टिमेट किया जाता है कि कैसी उसकी क्वालिटी है। अब डेटा की क्वालिटी तभी अच्छी होगी जब डेटा एक्यूरेट होगा, अगर डेटा एक्यूरेट नहीं होगा तो दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए आप अपना एक स्टैंडर्ड एक्यूरेसी मतलब बना सकते हैं, ये रूल बना सकते हैं कि चलो यहाँ पे 0.75 है तो उसको 13 पकड़ेंगे राउंड फिगर में, वहाँ 0.45 है तो उसको 12 पकड़ेंगे, ऐसा हो सकता है। बराबर फोर्थ नंबर पॉइंट है,
दे मस्ट हैव बीन कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ये तो बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सिस्टमैटिक, आप एक दिन का डेटा इकट्ठा कर रहे हो, फिर दूसरा दिन सपोज आपने स्किप कर दिया, वो सही नहीं हुआ। सिस्टमैटिक वे में आपको चलना पड़ेगा। दे मस्ट बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सपोज कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे हम लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला था क्लास 12th में, कि जो गाड़ियां चलती हैं वो 10 से 12 बजे के बीच में कितनी गाड़ियां जो है चलती हैं, किसी एक रास्ते में 10 से 12 बजे के बीच में कितनी गाड़ियां चल रही हैं, वो आपको रिकॉर्ड रखना था। कितनी गाड़ियां जा रही हैं, ट्रैफिक जो है वो किस टाइम पे सबसे ज्यादा होता है, एक तरीके से ये फाइंड आउट करना था। तो जो डेटा था, अगर हम 10 से 12 का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, वहां पे अगर हम 2 से 4 का डेटा लिख देंगे तो फिर तो दिक्कत होगी। तो सिस्टमैटिक मैनर में करना है, करना है डेली करना है, ये होना चाहिए। सिस्टमैटिक मैनर फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, है ना। आपका जो पर्पस है वो तो प्री डिटरमाइंड है, मुझे पता है कि मुझे ये काम करना है, इसलिए तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं डेटा को कलेक्ट कर रहा हूँ। तो किसी प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए जब आप डेटा को कलेक्ट करते हैं किसी सिस्टमैटिक मैनर में, तो वो डेटा डेटा कहलाता है, उसको हम डेटा बोल सकते हैं। अब बिना वजह तो मैं वहां जाकर के खड़ा होकर के नहीं चेक करूंगा ना कि गाड़ियां क्यों जा रही है। मेरा एक पर्पस होना चाहिए। कोई बात बोला गया कि डेटा जब आप इकट्ठा कर रहे हैं तो उसका एक पर्पस होना जरूरी है। फैक्ट्स कलेक्टेड इन हैपजार्ड मैनर। हैपजार्ड मतलब इधर उधर, आप सही से नहीं इकट्ठा कर रहे हो, इकट्ठा तो कर रहे हो लेकिन सही से नहीं कर रहे हो। सो फैक्ट्स कलेक्टेड इन अ हैपजार्ड मैनर एंड विदाउट अ कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब आपको किस चीज के लिए इकट्ठा करना है डेटा वही आपको नहीं पता है। जब पता ही नहीं है तो डेटा आप डेफिनेटली उतने मन लगा के नहीं करोगे, या करोगे भी तो आपको इधर यही नहीं पता रहेगा कि आप उधर क्यों, से ला के थोड़ा सा निकाल देंगे। हाँ क्यों कर रहे हो वही नहीं पता रहेगा, तो आप उसको ठीक से कर ही नहीं पाओगे। तो एक कंप्लीट अवेयरनेस आपको होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या आपका उद्देश्य है उस चीज को करने का। विल बी कंफ्यूजिंग, बिल्कुल कंफ्यूजिंग होगा एंड कैन नॉट बी मेड द बेसिस ऑफ वैलिड कंक्लूजन। तो डेटा डेटा आपने इकट्ठा किया, आप उसके बारे में अवेयर नहीं थे, बस आपने इकट्ठा कर दिया, तो उससे जो कंक्लूजन निकल करके आएगा, जो रिजल्ट निकल करके आएगा, उसको भी हम लोग सही नहीं मानेंगे। क्योंकि तो हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा और अवेयर होके करते तो डेटा का जो रिजल्ट है हो सकता है कुछ और आता, आप और अच्छे तरीके से करते, है ना। फॉर एग्जाम्पल कलेक्टेड डेटा ऑन प्राइस सर नो पर्पज अनलेस वन नोज वेदर ही वॉन्ट्स टू कलेक्ट डेटा और ऑन होलसेल और रिटेल प्राइसेस एंड व्हाट आर द रिलेवेंट कमोडिटीज इन व्यू। कितना अच्छा एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है कि सपोज आपको प्राइस किसी भी चीज का जो है प्राइस आपको लिखना है, उसका डेटा आपको इकट्ठा करना है। सपोज दाल का ही प्राइस है, तो आपको उसका प्राइस जो है हर दिन का आपको देखना है ना। तो प्राइस तो भाई दो तरह का होता है, एक वो रेट होता है जो होलसेल होता है, एक वो रेट होता है जो रिटेल होता है। जब आप कोई बड़ा दुकानदार तो किसी सप्लायर से दाल को खरीदेगा तो डेफिनेटली वो कम दाम में खरीदेगा, और उसको जब मार्केट में बेचेगा रिटेल प्राइस में, तो वो थोड़ा सा प्राइस अपना मार्जिन रख करके बेचेगा। तो आप जब डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो आपको ये पता ही नहीं है कि आपको रिटेल लेवल का डेटा इकट्ठा करना है या आपका जो क्या कहते हैं रिटेल वाला करना है या होलसेल वाला करना है। तो आप अगर अवेयर रहेंगे कि आपको ये पता करना है कि होलसेल में जो आपका सामान है वो कितने में बिक रहा है, तो आप सिर्फ होलसेल वाला रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल आप इसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बिल्कुल तो वो चीज होनी चाहिए डेटा इकट्ठा करते वक्त, आपको अवेयर होना जरूरी है कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं। पांचवा नंबर पॉइंट है, दे मस्ट बी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, और डेफिनेटली डेटा के बीच में आपस में रिलेशन होगा। जो डेटा आपका है पहला दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, सबके बीच में आपस में रिलेशन होगा। दैट इज डेटा कलेक्टेड शुड बी कंपेरेबल, जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो कंपेरेबल होना चाहिए। पहले दिन अगर आपने 10 ग्लास पानी पिया तो अगले दिन आपने 12 ग्लास पानी पिया, 2 ग्लास आपने ज्यादा पिया। ये जो कंपैरिजन आपने किया ये तभी करेंगे ना जब आप लिख लिखेंगे सही तरीके से। तो जो डेटा है उसका उसकी कंपैरेबिलिटी आप उसको कंपेयर कर सकें, आपको ऐसे करके उसको लिखना होगा। अदरवाइज दिस कैन नॉट बी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। अगर आप कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे तो कोई रिलेशन इन दोनों के बीच में बनेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल स्टेटिस्टिक्स वाला एग्जाम्पल दिया है, स्टेटिस्टिक्स ऑन द यील्ड ऑफ कॉर्न, है ना। जो फसल हम लोग उगाते हैं कितना फसल बेहतर हो सकता है उसको यील्ड बोलते हैं। एक्चुअली यील्ड ऑफ कॉर्न या फिर टोटल भी बोल सकते हैं, द यील्ड ऑफ कॉर्न एंड द क्वालिटी ऑफ सॉइल आर रिलेटेड, बट दीज यील्ड्स कैन नॉट हैव एनी रिलेशन विद द स्टैटिस्टिकल ऑन द हेल्थ ऑफ द पीपल। ठीक है, जो कॉर्न है उसका जो यील्ड निकला उसका कनेक्शन सॉइल के साथ हो सकता है। हो सकता है आपकी मिट्टी बहुत अच्छी हो, आपने मिट्टी जो है बहुत अच्छी थी इसलिए आपका जो फसल है वो भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसका कनेक्शन इस बात के साथ नहीं हो सकता कि उस फसल का लोगों के हेल्थ के ऊपर क्या असर है ना। तो एक रिलेशन होना चाहिए सॉइल का, आप फसल का जो क्या बोलेंगे, जो फसल का रिलेशन है आप उसको सॉइल के साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका इमीडिएट
फैक्टर है जिसपे वो पैदा हो रहा है। इंग्रेडिएंट्स हाँ, हेल्थ के साथ उसको मेजर नहीं कर सकते। मतलब कनेक्शन जो है वो सही होना चाहिए, एक रिलेशन में होना चाहिए। रिलेशन में नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। छठा और आखिरी ओके पॉइंट है, दे मस्ट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। तो डेटा अगर न्यूमेरिकली नहीं होगा तो समझ में ही नहीं आएगा। हम अगर उसको 6 की जगह पे एस समझ आई में एक्स, नहीं। 8 की जगह पे EIGST लिखेंगे तो वो बेकार हो जाएगा। डेटा को आपको न्यूमेरिकली लिखना है, एंड दैट इज एनी फैक्ट टू बी कॉल्ड स्टेटिस्टिक्स मस्ट बी न्यूमेरिकली और क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड। डेटा को आप डेटा तभी बोलेंगे जब उसको न्यूमेरिकली लिखा जाए या फिर उसको क्वांटिटेटिवली लिखा जाए। क्वालिटी के हिसाब से नहीं लिखना है, जो बिल्कुल डेटा है वो बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, क्वांटिटी लिखना है, नंबर्स लिखने हैं, तो ही आपका जो डेटा है वो डेटा कहलाएगा। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स सच एज यस ब्यूटी, बता दिया गया, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स सच एज ब्यूटी, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि इसमें आप कैलकुलेट करें कैसे कैलकुलेट करोगे आप ब्यूटी और इंटेलिजेंस, राइट? सो डेटा का क्वालिटेटिवनेस आपको नहीं लेना है, उसकी क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देना है जिसके जरिए आप डेटा को प्रोसेस कर पाएंगे। कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन स्टैटिस्टिक्स अनलेस दे आर क्वांटिफाइड। हाँ, अगर आप ब्यूटी को क्वांटिफाई कर सकते हो, सपोज आपने ये बताया कि जो मेरा मेकअप है इसका कॉस्ट आपको पता नहीं है, लेकिन आपने एक एस्टिमेट बता दिया कि चलो इस ब्यूटी मेकअप का जो कॉस्ट है, जो किट है, उसका कॉस्ट जो है 5,000 है, तो आपने उसको न्यूमेरिकली प्रेजेंट किया ना, ये ब्यूटी किट 5,000 का है, वो ब्यूटी किट 10,000 का है, वो ब्यूटी किट 15,000 का है। ब्यूटी में कितना ब्यूटी आएगा आपको पता नहीं है, क्या रिजल्ट होगा आपको पता नहीं है, लेकिन उसको आपने न्यूमेरिकली डिफाइन कर दिया कि ये किट 5 का है, वो 10 का है, वो 15 का है। उसके पीछे रीजन हो सकते हैं, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, तो उस नंबर को 5,000, 10,000, 15,000, इस नंबर को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन ब्यूटी को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो नंबर्स में उसको डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है? वो बात बोली गई है। बिल्कुल सो दैट्स इट, 6 टॉपिक्स थे, 5 क्वेश्चन है। आ सकता है कि जो मैंने अभी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन बता रहा था, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, ठीक है? तो डेटा इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, हम लोग अगला क्लास 8:30 बजे से करते हैं, ठीक है किशन? आज आज सर 8 बजे सर ठीक हाँ, आज ही, आज ही एक और टॉपिक ठीक कर है सर लेंगे, ओके सही रहेगा। सर ओके, आप फ्री हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ओके, देन 8:30 बजे करते हैं, हाँ ठीक है? ओके ठीक सर ओके ओके।